energy empowerment. Today's your topic is transformation of energy. वैसे भी देख लीजिए कितना अच्छा, किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी और पावर की जरूरत होती है। फॉर डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ वर्क, आइदर दैट इज इट फिजिकल और द मेंटल वर्क, नाउ वी जस्ट वांट द एनर्जी एंड द पावर, द स्ट्रेंथ। कितनी देर तक हम किसी काम को कर सकते हैं, व्हाट मे बी द कंटिन्यूटी टू डू दैट वर्क। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को आप कैसे ट्रांसफॉर्म करें, परिवर्तन जिसको आप कह सकते हैं, टू चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से एक रूप से दूसरे रूप में आप कैसे, जैसे एग्जांपल्स अगर मैं दूं कि सपोज के लिए ये कोई हिल है, माउंटेन है, यहां पे एट द टॉप में वन स्टोन इज लाइक, एक पत्थर पड़ा हुआ है। तो जब ये पत्थर पड़ा हुआ है, ये टॉप में है, इसका मतलब इसके अंदर आपका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। इज इट क्लियर? व्हेन इट इज रोलिंग डाउन, आपने इसको धक्का मारा या जो भी किया, या नेचुरल कैलामिटी आपका ये, या कह को भी हुआ प्राकृतिक आपदा है, या आपका अर्थक्वेक आया, हिल गया अपनी जगह से, जगह से हिलने के बाद आपका शेकिंग, नाउ इट्स कमिंग डाउन। पृथ्वी की तरफ, भूमि की तरफ, जमीन की तरफ आ रहा है, तो जब नीचे आएगा तो देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका मतलब हाइट इज डिक्रीजिंग। जब हाइट डिक्रीज करेगी तो देखो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे, द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज। उसी स्टोन में देखिएगा, उसी स्टोन में आपको पोटेंशियल एनर्जी भी दिखाई दे रही है, और उसी में आपको जो है दिखाई दे रही है, मतलब ये दोनों जब कोई, मतलब आपको ये महसूस है कि कोई चीज भी रुकी भी जावे, विच इज नॉट इन इमोशन, इवन विच इज नॉट इन इमोशन, दैट हैज अ शॉर्ट ऑफ एनर्जी, इट्स नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। इज इट क्लियर? हाइट कम हो रही है, इसका मतलब आपका पोटेंशियल एनर्जी भी आपकी क्या हो रही, डिक्रीज हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी इज going to be decreased, and kinetic energy is going to be increased gradually, dheere dheere, means the potential energy get transformed into the kinetic energy. Ab samajh rahe hain ke liye, ye to ek example maine diya tumhe. Ab yahan pe kehne ka matlab hai ki simple se, ye to abhi detail mein hum padhenge energy. Ability to do work, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। आपके अंदर एनर्जी होगी तभी तो आप कोई काम कर पाएंगे, वो चाहे पढ़ाई हो, चाहे खाना बनाना हो, चाहे वॉकिंग हो, चाहे जॉगिंग हो, चाहे आपका वॉशिंग द क्लॉथ्स हो। अब पता चला एक क्विंटल कपड़े धोने के लिए आपने दो कपड़े धोए और आप हाँप गए, तो लैकिंग ऑफ आपका एनर्जी है, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है, आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। आप समझ रहे हैं? चलो एनर्जी, अब यहाँ पे एनर्जी का मतलब क्या हुआ, हम लोग इसको या जो भी है, एनर्जी इज लाइक मनी, पैसा, रुपया, दौलत, ये इसकी तो है। मनी से वी कैन ट्रांजेक्टेड, हम ट्रांजेक्शन, आप मनी को क्रेडिट कर सकते हैं, आप मनी को डेबिट कर सकते हैं, आपका देख लो, आप मनी से आपका थिंग्स खरीद सकते हैं, आप मनी से गुड्स खरीद सकते हैं, आप मतलब नेसेसरी आर्टिकल्स या जो रिक्वायर्ड जरूरतें हैं हमारी, घर, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि स्कूटी, कार, ये दीज ऑल आर द सेकेंडरी आइटम्स, द फर्स्ट आइटम फॉर विच
I am here. आपको पढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे हूँ. तो मेरी the first need of my life is रोटी, कपड़ा एंड मकान. रोटी, a loaf of bread, wheat से तैयार हो रही है. वीट को तैयार करने के लिए भी वी जस्ट वॉन्ट सीड, वी जस्ट वॉन्ट सम फील्ड, कुछ खेत हमको चाहिए, पीस ऑफ लैंड चाहिए. उसमें व्हेन वी विल सो द सीड, जब हम उसमें बीज बोएंगे तो बीज विल बी जर्मिनेटेड. इसीलिए मैंने अपनी कोचिंग का नाम सीडलिंग रखा है. ये याद रखिएगा, ऐसे नहीं रखा है. सीडलिंग का मतलब जर्मिनेशन, जब दो तीन प्लांट आपका छोटा सा निकलता है उसमें दो तीन पत्ते आते हैं, उसको प्रॉपर एयर की जरूरत होती है, प्रॉपर सनलाइट की जरूरत होती है, प्रॉपर केयर की जरूरत होती है, उसमें जो वीडिंग होती है उसको निकालना होता है, तब जाकर के एक पेड़ धीरे 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 कई सालों में बड़ा होता है, तब वो फ्रूट्स देता है आपको, आपका नाम छाया देता है आपको, नाम देखो ऑक्सीजन देता है आपको. देखो एक छोटे से बीज की देखो कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है. तो वही देखो, तो देखो रोटी इज माय प्रियर. किसी ने ये थोड़ा कि काजू किशमिश खा रहे हैं, काजू किशमिश तो हमने अपनी शान के लिए है. आपका नाम देखो देश का. कपड़ा, कपड़े का मतलब ये नहीं है कि ब्रांडेड कपड़े होने चाहिए, नहीं, दो जोड़ी कपड़े होने चाहिए, वो धुले होने चाहिए बस. प्रेस हो, प्रेस भी क्या है, आपके जमाने में आयरन लगा रहे, प्रेस लगा रहे. हमारे जमाने में तो क्या होता था, उसको साफ किया, साफ करने के बाद चावल का माड़ होता था, चावल का माड़ उसमें डिप किया, डिप करके सुखा दिया, उसके बाद उसके नीचे के चारों जो सिलाई होती थी उनको आपका नाम स्टिचिंग को मिलाया, मिला करके उसको तकिया के नीचे रख दिया और उसके ऊपर से बैठ गए या सो. मीन्स साफ होना चाहिए, नीट एंड क्लीन. अब आजकल है कि बीड्स नहीं आनी चाहिए, ये नहीं, जैसे जैसे देखो एडवांसमेंट होगी कुछ चोचले तो होते रहेंगे. आज आप खाना बनाते प्रेशर कुकर में, इट सेव्स योर टाइम, दैट्स वेरी करेक्ट, बट इट इज डिस्ट्रॉइंग योर न्यूट्रिएंट्स. सारे माल मसाला तो बाहर निकल गया, तो फिर क्या खाया, बाबा जी का ठुल्लू. मकान, मकान डज नॉट मीन दैट कि आपका तिमंजिला मकान हो, दो मंजिला मकान हो, आपका ना उसमें कई कारें खड़ी, नहीं. फॉर प्रोटेक्टिंग योर बॉडी फ्रॉम सन, द हीट, रेन, बारिश से बचाने के लिए, वाइल्ड एनिमल से बचाने के लिए आपका मकान, कच्चा मकान, पक्का मकान जो आप बचपन में पढ़ते थे, डबल स्टोरी मकान नहीं. तो माई फर्स्ट इसेंशियल, माई फर्स्ट नीड इज थ्री, रोटी, कपड़ा एंड मकान. वेयर फ्रॉम आई कैन बाय इट, फ्रॉम द शॉप, दुकान से खरीदा मैंने. दुकान से खरीदने के लिए मुझे क्या चाहिए, व्हाट इज माय प्रियर नीड्स, मेरी जरूरत क्या है, मनी, पैसा. पैसा कहां से आएगा, व्हेन आई विल वर्क. वर्क कहां से होगा, व्हेन आई हैव एनर्जी. कितनी देर तक आई कैन कीप दिस एनर्जी, मेंटेन दिस एनर्जी, दैट इज माय स्ट्रेंथ, दैट इज माय पावर. ये सारी चीजें देखो, तो मींस एनर्जी इज लाइक ए मनी, because it can be changed into many different forms. आज आप बैंक में जाते हैं, आपने कहा मुझे लोन चाहिए, स्कूटी के लिए लोन चाहिए, या मोटरसाइकिल के लिए लोन चाहिए, कार के लिए लोन चाहिए, तो रन द बिजनेस, स्टार्टअप इंडिया गवर्नमेंट कह रही है आपका नाम. अपनी लाइफ को फ्लोरिश करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए, अपने सिस्टम्स को एमेंडमेंट देने के लिए आपका नाम पैसों की जरूरत है. द सेम थिंग लाइक द सेम Now, पहले क्या होता था, पैसा है बैंक में जमा करो, इंटरेस्ट मिलेगा, खाएंगे, तब इंटरेस्ट ज्यादा होता था, आज इंटरेस्ट कम हो. बैंक तो क्या करता है पता है आपको, जब लेता है और देता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में आपका लगाता है. कई लोग तो साले पैसा देते देते बैंक को मर जाते हैं. अभी गवर्नमेंट की समझ में आ रहा हो नहीं आ रहा हो, आप लोन लेने चले जाइए बैंक में, हालत खराब कर देंगे, हालत खराब. 100 बार आप जूते घिसेंगे तब जाकर के आपको कहीं लोन मिलेगा, उसमें भी बैंक सोचता है एहसान कर दिया हमने, बहुत बड़ी बात कर दी, 50 पेपर्स में साइन करवाएगा. मैं ये सारी चीजें इसलिए कह रहा हूं
कि ट्रांजेक्ट हम पढ़ते हैं लेकिन गुणते नहीं है. वी हैव रीड, वी हैव रेड बट नॉट गोइंग टू बी मल्टीप्लाई. तो हमें लाइफ में हर चीज को मल्टीप्लाई करना है. बार मैं इनर्जी की बात कर रहा हूं. द चेंज, बदलाव, द चेंज ऑफ वन फॉर्म. Sure है, the change of one form of energy into another form of energy is known as a transformation of energy. Example, हमने यहाँ पे कहा, when a stone is dropped, देख रहे हैं आप clear, from the roof या from the top of the hill, अपने ऊपर से, ठीक है, it starts rolling downward. ये नीचे की तरफ आपका आना है, moving downwards आपका नीचे की तरफ आने लग गया, towards to the ground. ठीक हो गया? तो जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टोन है, ये स्टोन में जो पोटेंशियल एनर्जी है आपका, देखो दिस इज द स्टोन स्टार्टिंग चेंजिंग इनटू द काइनेटिक एनर्जी. ये गतिज ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा से इट इज गोइंग टू बी चेंज इनटू द काइनेटिक एनर्जी. क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग. जो भी कोई चीज ऊपर हाइट से नीचे ग्राउंड की तरफ को आ रही है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. क्यों? कि देखो आप, बिकॉज द हाइट इज गोइंग टू बी डिक्रीज एंड द काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी इंक्रीज. काइनेटिक एनर्जी क्यों हो रही? क्योंकि बिकॉज इट्स वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीज. क्यों? कि ग्रेविटी को फेवर कर रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं. ग्रेविटी का अगर आप कई चीजें हैं, देखो आपका नाम मैंने वही बोला, इफ यू आर अंग्रेजी इज फिट एवरीथिंग इज हिट. हमें अपनी ग्रेविटी मेंटेन करनी चाहिए. कई लोग ग्रेविटी, देखो हमें अपनी पोजीशन, हमारे परिवार की मान मर्यादा, गरिमा, सभ्यता, संस्कार को भी हमने मेंटेन करना है. दैट इज ऑल्सो द ग्रेविटी. और ग्रेविटी ग्रेप से बना, ग्रेप यार्ड. आपने देखो ग्रेप क्या होता है? व्हाट इज ग्रेप? पार्डन, अनमोल, अंगूर. ग्रेप नहीं, ग्रेप नहीं, वो तो ग्रेप हुआ, जी आर ए पी, ग्रेप, ग्रेव. जहां आदमी को ना दफनाते हैं वो भी ग्रेप हुआ, और जहां पूरा ग्रेप यार्ड देख लीजिए, वहां भी उसकी पोजीशन बिल्कुल फिक्स है आदमी की कई सालों तक. तो मतलब मेरा कहने का मतलब अंग्रेजी आपकी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए. जैसे जैसे आप ग्राउंड के नजदीक पहुंच रहे हैं, आपकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है. वेलोसिटी इंक्रीज करने के बाद आपकी काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टोन ग्रेजुअली इट गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म इनटू द काइनेटिक एनर्जी. इज इट क्लियर? एंड बाय द टाइम, समय के साथ साथ स्टोन रीचेस टू द ग्राउंड, आपका जमीन पे पहुंचेगा, तो इट्स पोटेंशियल एनर्जी. एक टाइम ऐसा आएगा जब पोटेंशियल एनर्जी यहां ग्राउंड पे पहुंच गया, ग्राउंड पे, तो पोटेंशियल एनर्जी इट बिकम्स आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. एंड एंटायर एनर्जी ऑफ दैट स्टोन विल इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. आप समझ गए? क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कुल मिला के व्हाट इज द कंक्लूजन, आपको क्या नजर आ रहा है इसमें? कंक्लूजन, कंक्लूड आज मुझे भी बुखार है कई दिनों से हॉस्पिटल में रहने के बाद ना, इसलिए कंक्लूजन कि मतलब व्हेन When a body is released, जब किसी पिंड को, किसी वस्तु को रिलीज किया जाता है फ्रॉम ए हाइट, बल्कि मैं फ्रॉम ए सर्टेन हाइट लिख देता हूं,
अब ये कोई जरूरी थोड़ा कि पत्थर को पकड़ के आपने वो चोटी में ही चढ़ना है, छत में भी चढ़ सकते हैं, एक सर्टेन हाइट तक आप चढ़ सकते हैं। देन पी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी बाय एंड बाय दैट इज कॉल्ड द ग्रेजुअली धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? फाइन प्लीज। अब देखो इसका दूसरा, आई जस्ट गिव द एग्जांपल्स। नाउ द अदर थिंग, अब देखिए स्टोन इज ऑन द ग्राउंड, अब आप इसको थ्रो इट अक्रॉस, पत्थर भी वो फेंकना है ऊपर, इतना बड़ा पत्थर अपने वजन का जिसको आप उठा ही नहीं पाए और कह रहे ऊपर फेंकूंगा। अब पीस ऑफ स्टोन की बात कर, आप समझ रहे थे? क्लियर? पीस भी पी आई ई सी एवरी स्मॉल, तो अ पीस ऑफ स्टोन इज थ्रोन। अब आपने एरो देखो आपका अपवर्ड, आपने ऊपर की तरफ फेंका, क्लियर हो गया? तो इसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी ऑफ द स्टोन स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ऊपर हो जाएगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये देखो आपका ना ये आपका पोटेंशियल एनर्जी में आपका चेंज होती जा रही है, जैसे जैसे एज द स्टोन मूव अप ऊपर को जाता रहता है तो काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी डिक्रीज। ये काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी डिक्रीज। व्हाई? बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीज, its velocity is decreased and potential energy is going to be increased. Why? Because the height is going to be increased. That's श्योर हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? बट इस पोटेंशियल एनर्जी गोइज ऑन इंक्रीजिंग बिकॉज इट्स हाइट इज गोइंग टू बी इंक्रीज, आपका हो गया। या काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टोन, दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस स्टोन इज ग्रेजुअली व्हाट गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी एंड व्हेन द स्टोन रीच इट at the highest point जब पत्थर आपका एक highest point पे पहुंच जाएगा it will stop for a while वहां पे थोड़ा सा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? its kinetic energy is zero, इसकी kinetic energy क्या हो जाएगी? zero हो जाएगी and its potential energy इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। जैसे इसके रिवर्स में काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी जीरो, जो इससे पहले वाला था। इज इट क्लियर? फाइन। तो एट द हाईएस्ट पॉइंट द टोटल एनर्जी ऑफ द स्टोन विल बी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है इसका मतलब? इसका कंक्लूजन क्या निकला कि वेल अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी
is gradually transformed into potential energy. Any doubt? Fine, please. देखिए, third, hydroelectric generators की बात कर रहा हूँ। ये hydroelectric generators अब कैसे? How it works? How it functions? How it activates? हमने क्या किया? ये जो आप देख रहे हैं परिक्रमा में, ये डैम हमेशा जो है नीचे की तरफ आपका नाम ज्यादा बिग से इसको स्ट्रेंथ देने के लिए, मजबूती देने के लिए नीचे ऐसे बनाया जाता है। आपका देखो ऊपर ऊपर ज्यादा वाइड होता है, नीचे आपका सकरा होता है। पहली चीज तो ये। दूसरा, अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं, इसका मतलब वाटर में सबसे ज्यादा बॉटम पे प्रेशर लगता है, तले पे प्रेशर, एच डी जी कहते हैं इसको, हाइट डेंसिटी ग्रेविटी। इसलिए डैम आपका हमेशा नीचे आपका सकरा होता है और ऊपर आपका ना जो वॉल इसकी बनाई होती है कि ये पानी के क्वांटिटी को झेल सके, बियर कर सके। बांध है, पता चला राती रात टूट गया, सारे लोग जो है, लाखों लोग जो है, क्या नाम कहते, रात को सोए सोए ऊपर पहुंच गए। पहली चीज, हमने खाली यहीं तक ही नहीं पढ़ना है। आप उत्तरांचल में बैठे हैं, आप उत्तराखंड में बैठे हैं, यहाँ पे मैंने आपको बोला कि बहुत सारे डैम है, बहुत इलेक्ट्रिसिटी आपका हरिद्वार में, आप चीला में आप चले जाइएगा, आप बनबसा टनकपुर में आप चले जाइएगा, आप नगीना धामपुर के पास आपका कालागढ़ आपका डैम है, छोटी छोटी परियोजनाएं आपका ना, जब आप अल्मोड़ा जाते हैं तो अल्मोड़ा के पास भी नालों के पास आपका बनाया हुआ है। गवर्नमेंट को एक चीज और करनी चाहिए मेरे इस माध्यम से कि आपका ना, जैसे पुराने घराट होते थे, घराट जहां आटा पीसते थे, आज तो फ्लोर मिल्स हो गई है, चक्की हो गई इलेक्ट्रिसिटी वाले। पहले पानी, आपने शायद ये काम किया नहीं किया है, या बहुत से लोग कहें, मैं बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करता हूं। देखो मेरे ताऊजी आईएएस थे जो एक्सपायर हो गए, मेरे फादर आर्मी में, देखो कर्नल थे, अच्छी खासी फैमिली है। लेकिन जब हम दिल्ली से गांव जाते थे तो हमारी ग्रैंड मदर हमें सारा काम सिखाती थी, करवाती नहीं थी, सिखाती थी। हमारे केयर टेकर्स को कहते थे जाओ इनको ले जाओ, रात हम रहते थे तो हम पानी लगाते थे, पहले नाले के पानी को चीड़ के पेड़ के साथ उनको नाला जैसा बनाया होता था, कैनाल जिसको कहते थे, उसको लाते थे, उसको ला करके फिर लकड़ी का जो आपका टर्बाइन होती थी उसको घुमाते थे, वो घूमता था तो उसमें साफ्ट लगी होती थी, साफ्ट में ऊपर पत्थर लगे होते थे और पत्थर टक 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 करके उसमें हुपर होता था, हुपर में आप गेहूं डालते थे और पिसता था। बहुत ईमानदार जमाना था, जो अगर आप 10 किलो आटा पिसाएंगे, हम नहीं है, हम नहीं देख रहे, लेकिन ऑनेस्टी इतनी कदर की थी कि जो आपके घराट में आएगा, मेरी भी दो घराट है, अब तो खत्म हो गए हैं, लेकिन उसमें क्या होता था, आदमी जैसे आप 20 किलो आटा लेकर के आए, 1 किलो आटा आप बिल्कुल वहां पे रख देंगे, उस समय चलता था शेर, शेर शेर का मतलब एक शेर इज इक्वल टू 1.5 किलो होता था, ऐसे होता था शेर, एक बर्तन ऐसे होता था, ये तांबे का, इसमें भर करके जहां घराट होता था अंदर, जहां पर पिसता था वहां पर वो ऐसे ढेर लगा देते थे। अगर दिन में 4-5 लोग आए
आपका आटा पिसाने के लिए, पीसने के लिए आपके घराट में आपका सब 5 लोग आए, 5 किलो आटा आपका हो गया शाम का था। उस समय पैसा नहीं था, पैसा तो बात को जैसे जैसे हम विकास करते हैं, when we are going to be developed, necessity is the mother of invention, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये याद रखेगा। तो धीरे धीरे हमने डेवलपमेंट किया, तब जाके कि अरे हमने ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना सर। और आज हम इतने लग्जरियस हो गए कि हमने, हम डिसाइड कर देंगे हमने क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये आपका नहीं बना। देखो हम डैम की बात कर रहे हैं, मैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात कर रहा हूं। देखो डैम में टिहरी डैम का नाम सुना है आपने, उत्तरांचल की बात करें बस, वैसे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी मूर्ति है, वो भी डैम के पास ही है, भाखड़ा नगर बांध भी है आपके पास। मतलब हिंदुस्तान तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, फिर भी पानी 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 है, पता नहीं क्या बात पानी है, क्यों उसके जरिए से बूंदा है। वी पीपल, अब सरकार को हम दोष कहां तक दे, हम अपना मकान बना रहे हैं, हम पेड़ पौधों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे, पेड़ पौधों को सुरक्षित नहीं कर रहे, तो वाइल्ड लाइफ को हम, आपका बर्ड सेंचुरीज को हम, फॉरेस्ट को हम, एनवायरमेंट को हम, एटमॉस्फेयर को हम मेंटेन नहीं कर पा रहे। अगर हर आदमी अपना एक दायित्व तो समझ ले कि मुझे 2 पेड़ अपने बर्थडे में लगाना है, तो आज इतने सालों से 70 साल किसी की सरकार रही, फिर किसी की सरकार आ गई, फिर किसी की सरकार आ गई, किसी को कोई मतलब नहीं, हर कोई आता है उन्हें का पैसा कमा करके चले जाओ, अपने 7 पुश्त को वो नहीं होना चाहिए। ये काम तो डॉक्टर इंजीनियर नेताओं का नहीं है, नेता कोई डैम बनाने नहीं जाएगा, ये आप और मैं डैम, ये तो हमारे जो अच्छे ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, ब्रिलियंट आपके इंजीनियर है, वो आपका नाम, वो इनका काम करते हैं आपका। बार अब आपने इसको खड़ा किया, हम बात कर रहे हैं, बाकी तो और कुछ नहीं। विष्णुप्रयाग परियोजना जो जोशीमठ में है, वो मेरी आंखों के सामने बना है, बिकॉज माई फादर वॉज डियर, आपका नाम, मेरे फादर उस समय वहां पे पोस्टेड थे। तो देखो आपका पानी हुआ, जब इसमें पानी स्टैंड कर रहा है, स्टैग्नेंट जिसको स्टैंडिंग कर रहा है, स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो मैंने पहले भी आपको पहले दिन भी बताया था आपको कि इसका मतलब देयर इज नो मूवमेंट इन टू द वाटर मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक हो गया। अब वाटर स्टोर हो गया डैम में, हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आपकी हो गई, ठीक हो गया, बट सच दिस पोटेंशियल एनर्जी हैज नो यूज, खड़ा है तो किस काम का है, अपने आप ही रहता खड़ा। आज आपकी जरूरत इसके हिसाब से हो गई, जानो कि दिन आपने ठंड लग गई, आपने हीटर चला दिया, आपने कहा नहीं आज तो गैस खत्म हो गई है, खाना कैसे बनेगा, आपने कहा इंडक्शन है या हीटर है, आपने कह दिया अरे लैंप में तेल नहीं है, हम कहते थे नहीं है तो नहीं है, लैंप में तेल नहीं है तो पढ़ ही नहीं रहे, कैंडल जला करके पढ़ते थे, तब भी पढ़ते थे लोग, तब भी आईएएस बनते थे, तब भी पीसीएस बनते थे, तब भी देश के महान नेता बने, और आज इतनी फैसिलिटी होने के बाद भी हमने कहा लाइट नहीं है मैं तो पढ़ूंगा नहीं, पढ़ूंगी नहीं, तो वेयर फ्रॉम दैट लाइट इज कमिंग, दैट इज कमिंग फ्रॉम द पावर स्टेशन, दैट इज कमिंग फ्रॉम द डैम, हाउ इज इट कमिंग, in how many steps, what is the procedure to reach the electricity in your home, वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। आप समझ रहे मेरी बात, क्लियर हो गया। तो आपका देखो क्या, जब पानी खड़ा है उस पोटेंशियल एनर्जी का कोई यूज नहीं है। अब आपने कहा क्या, पानी को अलाउ कर दिया, यानी कि जो वाटर था ये वाटर पानी आपका अलाउ कर दिया आपने, अलाउ आजा भाई नीचे की तरफ को भाग ले, तो जो डिस्टर्बेंस इन द वॉटर मॉलिक्यूल्स था, हलचल मच गई, दैट हलचल इज नोन एज योर काइनेटिक एनर्जी, और नीचे नीचे की तरफ आ रहा। डैम हमेशा ऊपर हाइट में बनाया जाता है, उसको क्यों कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी ऊपर आपका जीरो हो गई, नीचे आ रही है आप काइनेटिक एनर्जी, आपका मूवमेंट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे खत्म होगी आपका। अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स अलाउ कर दिया आपने, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या हो रही है, धीरे धीरे आपकी इंक्रीज करने लग जाएगी, यानी कि ये पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो रही है।
पानी आ गया, डोर खोल दिया आपने, इस डैम का डोर खोल दिया, ऊपर हाइट से पोटेंशियल एनर्जी, नीचे ये लगी है टरबाइन, टरबाइन लगी व्हील, व्हील में आपका नाम, ये पानी जैसे ही आएगा नीचे आएगा, ये देखो इट विल फॉल ऑन द टर्बाइन, ये टर्बाइन की ब्लेड्स पे आकर गिर रहा है, ब्लेड्स में प्रेशर पड़ेगा, पानी का प्रेशर पड़ेगा, सो दिस दीस ब्लेड्स विल बी रोटेट, ये घूमने लग जाएंगी, दैट इज लाइक ए व्हील, ये होगा इसमें, फिर आपका यहां जाकर के आपकी शाफ्ट लगनी होगी, शाफ्ट यहां आपका जनरेटर होगा, वो जनरेटर आपका एसी है या डीसी है इसमें भी हमने नहीं जाना है आपका ना, क्योंकि आप नाइन्थ के बच्चे हैं, देखो ठीक हो गया, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई, एंड द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, मैकेनिकल एनर्जी, एमी मैकेनिकल एनर्जी, उसके बाद ये गई आपकी, अब यहां पे क्या है आपका ना, देखो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक इज फॉलिंग ऑन द वाटर, फॉलिंग वाटर इज यूज्ड टू drive huge amount of water wheels and turbines which is connected to the electricity generator, electricity generator, या इसको आपका क्या कहते हैं, दूसरा नाम इसका क्या है, dynamo, dynamos, अब इसने electricity आपने क्या किया, generate कर दी, electricity generate किया and ये through wires, through poles, जो बिजली के आप बिजली के जो पोल देख रहे हैं आपका बनाती है, ये वायर आपकी आगे लिव वायर, न्यूट्रल वायर, इसके साथ आपका अर्थ वायर, ये सब लग करके आ रही है आपका नाम, लिव वायर, न्यूट्रल वायर, ये इलेक्ट्रिक पोल, और इलेक्ट्रिक पोल से आप लोगों के घर में जो आपका इलेक्ट्रिकल, वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस रन हो रही, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, यहां आपके घर में आकर के ये फिर लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी में भी आपका कन्वर्ट हो जाएगी। एक पानी का कमाल देखिए, वाटर का कमाल देखिए, सुबह हम उठते हैं बिना पानी के कोई काम नहीं होता, आप देखो वाटर की ताकत तो नहीं, पीने से या खाने से या कपड़े धोने से नहीं है, जिस लाइट के नीचे आप बैठ करके पढ़ रहे हैं या मैं लिख रहा हूं इस बोर्ड में, ये सारा इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द वाटर, एंड वाटर इज टोटली डिपेंड अपॉन नेचर, एंड नेचर इज टोटली डिपेंड अपॉन वी ह्यूमन बींग्स, आपने एफॉरेस्टेशन किया या डिफॉरेस्टेशन किया उसका खामियाजा ना आज हर मानव जाति को आपका भुगतना पड़ रहा है, वाइल्ड लाइफ जंगल से जानवर आकर के शहरों की तरफ आ रहे हैं, तो टू सेव वाइल्ड लाइफ, टू सेव फॉरेस्ट, डू एफॉरेस्टेशन, मैं बार बार गवर्नमेंट को आपके लिख रहा हूं 2012 से कि सारे स्कूल्स को एक एक बच्चा, जब हम अपने बच्चों की फीस दे सकते हैं तो हमसे साल में 2 पौधे हमारे बच्चों से मंगवाए जाए, फॉरेस्ट की जहां बैरन लैंड है वहां पे लगाए, टू मेंटेन द एनवायरमेंट, टू मेंटेन द एटमॉस्फेयर, ये जब हमारे उत्तरांचल से शुरू हो जाएगा, हमारे यूपी से शुरू हो जाएगा, हमारे हिंदुस्तान से शुरू हो जाएगा, बड़े बड़े नेता जा रहे हैं वहां, वर्ल्ड ग्लोबल मीटिंग हो रही है, उन्होंने कहा जाओ जी आपका ना वहां वर्ल्ड की मीटिंग हो रही है, उनका पेरिस में होगा क्लाइमेट, अरे वहां जाके क्लाइमेट क्या चेंज होगा, पहले अपने घर का क्लाइमेट तो चेंज कर लो, आप समझ रहे हैं इतनी बड़ी प्रोसीजर्स है, इसका मतलब क्या हो गया, अब इसका जो कंक्लूजन, वो कंक्लूजन क्या है कि एट अ हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक, हाइड्रो, हाइड्रो माने पानी, लिक माने उसकी
मशीनों के द्वारा आप करा देखो, दिस इज द हाइड्रोलिक पावर स्टेशन। इसमें द पोटेंशियल एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू काइनेटिक एनर्जी, देख लीजिएगा, देन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देन व्हेन इट इज रीडिंग टू योर होम द लाइट एनर्जी एंड आपका हीट एनर्जी में आपका कन्वर्ट होगा। क्लियर हो गया? फाइन। फोर्थ, एट थर्मल पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन पे आपको चाहिए कोयला चाहिए। कोयले को आप क्या करेंगे? बर्न करेंगे, याद रखिएगा। क्लियर हो गया? जब कोयला बर्न हो जाएगा तो इसके अंदर जो आपकी केमिकल एनर्जी थी किसकी? कोयले की। ये आपका चेंज होगी हीट एनर्जी में, याद रखिएगा। और ये हीट एनर्जी फिर कन्वर्ट हो जाएगी। कन्वर्ट किसको करेगी? वाटर। किस में करेगी? स्टीम। और ये स्टीम बाथ को आपका रन करेगी इलेक्ट्रिसिटी पर। स्टीम एंड स्टीम रन्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर से। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट। देखो एक कोयला, अब आपका देखो आपके पास सबसे पहले संसाधन आपके पास क्या होना चाहिए थर्मल पावर स्टेशन के लिए? कोयला, कोल। धनबाद वगैरह जो है, बिहार वगैरह में माइंस थी पहले, अब तो झारखंड और बिहार दोनों माइंस, कोल माइंस, कोयला आपकी पहली द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, द फर्स्ट विच इज द रिसोर्सेस विच इज गिवन बाय द नेचर डी बरीड अंडर द लैंड। वो कोयला आपने निकाला, कोयला खदान से आपने निकाला, आपका देखो ना माइंस जिनको आप कहते हैं उनसे निकाला, उसको लाए थर्मल स्टेशन पावर स्टेशन पे आपने पहुंचाया, वहां आपने इसमें कोयले में आपने आग लगाई, तो जो कोयले में आप जलेगा उसका जो आपका केमिकल एनर्जी है, दैट केमिकल एनर्जी इज गोइंग टू बी चेंज इनटू द हीट एनर्जी। जब वो हीट एनर्जी होगी, हीट एनर्जी, तो अब क्या होगा कि जो वाटर होगा वो हीट एनर्जी वाटर को आपका क्या करेगा? स्टीम में। स्टीम का मतलब आपका क्या हो गया? इवोपरेशन। उसका जो आप कहते हैं जो पावर होती है, जैसे वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, स्टीम 125 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, स्टीम गर्म पानी से ज्यादा भाप से आदमी जलता है, याद रखिएगा ये भी। तो आपका देखो वो कन्वर्ट वाटर को आपका स्टीम में किया, वो स्टीम आपका क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स को भाप। जेम्स वॉट, उन्होंने भी जब सुबह सुबह उनकी आंटी चाय बना रही थी, तो उस समय आप तो आपके पैंस होते, उस समय आपका कैटल होती थी, कैटली ऊपर से लिट था, आंटी लुक स्टीम इज पुशिंग द लिट, वहीं से भाप का इंजन बनाने की इंस्पिरेशन उसी स्टीम से जेम्स वॉट सर को मिली थी। तो देखो आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर से आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका बन गया। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब अब आपका देखो इसका जो कंक्लूजन, जो सार है, जो निष्कर्ष, जो निचोड़ है, वो क्या है कि एट थर्मल पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन में द केमिकल एनर्जी ऑफ कोल, कोयले की केमिकल एनर्जी अपना इज चेंज इनटू
हीट एनर्जी में चेंज होती है विच इज फर्दर ट्रांसफॉर्म या चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. स्टीम एनर्जी के बाद तब देखो वो तो बाकी छोटे से स्टेप बाकी मैंने यहां आपको क्लियर लिख दिया. इलेक्ट्रिसिटी आपका ना या इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप इसको इलेक्ट्रिकल कल नहीं वो वाला कल नहीं जो कल आएगा आज के बाद वाला इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका हो गया. ठीक है क्लियर हो गया. स्टीम में बड़ी ताकत होती है याद रखिएगा. स्टीम इंजन ऑल्सो यूज टू पुल द ट्रेन्स. इतनी बड़ी बड़ी बोगियां लगी होती हैं क्योंकि उसमें भी कोल जलता है. आपका कोल जलता है तो केमिकल एनर्जी कोल की क्या करती है चेंज होती हीट एनर्जी में करती है. दिस हीट एनर्जी कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम आपका और स्टीम मूव्स द रेलवे इंजन. आप समझिए इसका दूसरा कंक्लूजन क्या हुआ. देखो फर्स्ट कंक्लूजन हो गया और ये आपका सेकंड कंक्लूजन क्या हो गया कि द हीट एनर्जी इस कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. ये देखा अपन ठीक है ना बाय द भाप का इंजन दैट इज द स्टीम इंजन. तो जेम्स वॉट सर को याद करना भी बहुत जरूरी है आपका नाम. क्लियर हो गया. इसका मतलब इन सारे एग्जांपल्स को देख करके आपका जो मेन मेरिट्स या इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एनर्जी थी कि इट कैन बी ट्रांसफॉर्म इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एंड द डिवाइस विच ब्रिंग्स अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन. अब नीचे आपको मैं दूंगा लेकिन अभी आपका एग्जैक्ट क्लियर हो गया जी. अब यहां पे भी किसी को पता है या नहीं है इसमें दो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमारे पास हिंदुस्तान में दो डिपार्टमेंट है. एक है आपका एनएचपीसी और एक है आपका एनटीपीसी. एनटीपीसी का एक छोटा सा ऑफिस हमारे यहां गोलापार में है. नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन. हाइड्रो माने पानी से चलने वाली और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ये दो डिपार्टमेंट है हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं. एनएचपीसी और एनटीपीसी. नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन आपका हो गया और एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन आपका हो गया. ठीक है ना. स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के ये डिपार्टमेंट्स हैं. क्लियर हो गया. तो ये जनरली इट इज ड्राइव फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन. तो ये चीजें हमें पता होने चाहिए. अब इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन है एनर्जी की एंड द डिवाइस विच ब्रिंग्स अबाउट दिस ट्रांसफॉर्मेशन उसमें कौन कौन से है. ये तो आपका हो गया ना. ये दो डिपार्टमेंट देख लीजिएगा. यूट्यूब चैनल में जरूर देखिएगा कि क्या इनके बारे में भी जिक्र है या नहीं है. एनएचपीसी का जिक्र करना हमें बहुत जरूरी है क्योंकि वी आर द रेजिडेंट ऑफ द उत्तरांचल. पूरा हिमालय का बेल्ट है हमारे पास. बस ये है कि बुद्धि थोड़ा सा हम लोगों के भ्रष्ट है कि जो हम आज भी एफॉरेस्टेशन नहीं कर रहे हैं अपने क्लाइमेट को अपने एनवायरमेंट को अपने एटमॉस्फेयर को आपका क्या है उस लेवल तक नहीं ला रहे जिस लेवल तक हमने लाना है ना. इसलिए एनएचपीसी का जिक्र. विष्णु प्रयाग परियोजना टिहरी डैम कालागढ़ टनकपुर में आपका जो शारदा जगोड़ा में आपका है आपका नाम. छोटे मोटे कई अल्मोड़े को जाते समय भी मैं दिख रहा था एक दो है आपका नाम. और मेरे कहने सर जहां पे पावर है जहां पे नाले ऊपर से आते वहां पे भी छोटे मोटे पावर स्टेशन गवर्नमेंट को लगा देने चाहिए. अब देखिए अब मोटर एक मोटर है आपका देखो ना जो कन्वर्ट करती है डिवाइस की बात कर रहा हूं. कन्वर्ट क्या करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में आपका कन्वर्ट करती है मोटर की बात. अब आप सेल की बात करेंगे. सेल जानते हैं ना द
The combination of cell is known as a battery. दोनों को एक साथ बोल रहा हूं. सेल और बैटरी में आपका क्या होगा बताइए. ये कन्वर्ट करेंगे, किसको करेंगे? सी. सी का मतलब केमिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इज दैट क्लियर हो गया? फाइन. आपने हमारे जमाने में, आपके जमाने में तो ही नहीं, आप लोग तो इसमें पढ़ोगे नहीं, अ लैंप जिसमें मिट्टी तेल डालते थे, केरोसिन ऑयल डालते थे. आपका नाम देखो जैसा, तो लैंप ये कन्वर्ट करता है. आपका देखो लैंप, नहीं नहीं वो भी आपका केमिकल. ये वाला लैंप नहीं, आपके आपके जो हमारे जमाने के लैंप, लैंपू लालटेन, वो लैंप की बात करो मैं, लालटेन. तो ये आपका क्या करता था, इसमें केरोसिन ऑयल डालते थे आप, तो केरोसिन ऑयल भी क्या करता था, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता था लाइट एनर्जी में एंड हीट एनर्जी. उन जमाने में भी ठंड लगती थी, बर्फ गिरती थी, शीशे के बाहर से हाथ लगा देते थे लैंप. और आज आज आपके जो लैंप है, आज आपके इलेक्ट्रिकल लैंप की बात कर रहा हूं. इलेक्ट्रिकल लैंप में क्या होता है आपका नाम, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में आपका क्या करता है, एली लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है. ठीक हो गया? अब आप कहें ये हीटर, आग सेकते हैं आपका रूम हीटर आपके हो गए, तो ये आपका क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. आप कार चलाते हैं तो जो कार का इंजन होता है वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसको, सी. सी का मतलब होता है केमिकल एनर्जी, क्योंकि उसमें क्या होता है, पेट्रोल या डीजल होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनता है. तो केमिकल एनर्जी किसका, जो पेट्रोल, सपोज के लिए पेट्रोल या डीजल है आपका, देखो ना इसको किस में चेंज करता है, इनटू हीट एनर्जी. पहले आपका किस में चेंज करता है, हीट एनर्जी में, देन उसके बाद तब आपका काइनेटिक एनर्जी में उसको आपका कन्वर्ट करता है. ठीक है, इसके बाद आपका फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है. सुना है इसका नाम फोटो इलेक्ट्रिक सेल. ये आपका एलई लाइट एनर्जी, ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ईई का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपका कन्वर्ट करता है. ठीक है जी, आपने ट्रांसमीटर पढ़ा है, सुना है ट्रांसमीटर. ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर क्या करता है, साउंड एनर्जी को एसई, साउंड एनर्जी एसई याद रखिएगा, साउंड एनर्जी को किस में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. देखिए ठीक हो गया जी. और उसके बाद जो रेडियो सेट होता है, जमाना लौट के आता है याद रखिएगा. आप कितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आप बात कर लेते, कितना अब वो आने लग गया ना, एक छोटा सा ट्रांसिस्टर, ट्रांजिस्टर जिसमें 5000 गाने आने लग गए, क्या कहते हैं, सारे गामा. एग्जैक्टली, देखो वापस आने लग गया कॉम्पेटिबिलिटी में आपका ना. तो रेडियो सेट है, रेडियो सेट आपका क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एसई साउंड एनर्जी में आपका करता है. ठीक हो गया. When we walk, जब आप घूमते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, केमिकल एनर्जी जो स्टोर होते हैं आपका ना, वो केमिकल एनर्जी विच इज स्टोर इन योर बॉडी इज कन्वर्टेड इन टू काइनेटिक एनर्जी. तभी आपके कदम आगे बढ़ते हैं, आप मोशन में आते हैं आपका ना. ठीक है ना. बर्निंग ऑफ गैस, जब आप खाना बनाते हैं उसमें क्या, बर्निंग ऑफ गैस में क्या, एलपीजी जो है आपका, एलपीजी गैस लिक्विड, इसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी ब्यूटेनॉल है, तो केमिकल एनर्जी किसमें, हीट एनर्जी. थोड़ा थोड़ा लाइट भी निकलती है. अब आप किताब लेकर के पढ़ने नहीं चाहोगे आप ना, आप समझ गए मेरी बात, क्लियर हो गया. तो ये सारी भी जितने भी आपका नाम देखो थे सिद्धार्थ, ये आपने पढ़े काइंड ऑफ एनर्जीज थी, ट्रांसफॉर्मेशन थी, मैनी काइंड ऑफ एनर्जीज.
ठीक है ना। तो ये आपका आज जो चैप्टर था इसमें आपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जीज को पढ़ा कि हम खाली पढ़ने तक ही हमें सीमित नहीं होना चाहिए। जाते जाते आपको जरूर कहूँगा कि अगर आप लगा सकें आप लोग तो अपने बर्थ में बर्थडे पे दो पेड़ जरूर लगने चाहिए। और आपका जो प्लॉट है आपका छोटा प्लॉट भी क्यों नहीं है, एक पेड़ उसमें जरूर लगाइए। भले आप जितने एरिया में आप एक कमरा बना रहे थे उस कमरे को आप पर डबल स्टोरी में, डबल स्टोरी का डबल स्टोरी भी हो जाएगा, लोगों का कहना है दो मंजिला बना हुआ है, और एक पेड़ भी आपके आंगन में हो जाएगा। वो आंगन में आपको शुद्ध हवा देगा, प्योर आपका एयर देगा, प्योर ऑक्सीजन देगा। आपका याद रखो आपके घर में भी इन्वायरमेंट्स को, क्लाइमेट को भी आपका चेंज करेगा। कभी अपनी चेयर आपने नीचे रख दिया, फर्स्ट क्लास आपका ठंड भी, ठंडक भी आपको मिलेगी। इज इट क्लियर? हैव ए नाइस मॉर्निंग टू यू।